नमस्कार, मैं महिमा सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल बिहार। इस वक्त हम मौजूद है पटना के डकबंगला चौराहा पर। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था, विधानसभा मार्च यहां तक पहुंच गई है। यहां पे कुछ आम लोग मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस मार्च में उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन नेता आपस में उलझल बरन जाए, यही में पब्लिक के परेशानी होता। कोई दवाई करवाइल बा, कोई गाड़ी धरे के बा, प्रशासन लोग रोक लगल बरन, हमनी के असुविधा बा। रुआ सब पे ध्यान दही कि पब्लिक परेशानी मत होके। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे जानेंगे किस मार्च से इन्हें क्या समस्याएं हो रही है। मेरा नाम ईशा है, मगध महिला स्टूडेंट की मैं छात्रा हूँ। मैं आ रही थी तो उधर भी बंद है रास्ता और इधर भी बंद है। अब फिर पता नहीं मैं ट्रेन भी छूट जाएगी तो फिर मैं आपकी ट्रेन है? हाँ, मेरी ट्रेन है 2:30 बजे, तो पता नहीं मैं कैसे जा पाऊँगी। फिर उधर से फिर जाके देखती हूँ, फिर पता नहीं शायद रास्ता मिल जाए। मेरा लेट हो रहा है सर, हमको क्लास करना है। जाने नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कहोगे, क्या कहेंगे, थोड़ा सा जगह देना चाहिए जाने के लिए। सामने बैंक है मेन ब्रांच का, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन से यही उम्मीद है कि थोड़ा हम लोग का भी सहायता, क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं। क्या कहें, बहुत दिक्कत परेशानी, जनता को परेशानी हो रहा है जाने के लिए, आम जनता को परेशानी है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कम से कम आम जनता के लिए तो खुलना चाहिए था। आम जनता अपना पैदल तो जा सकता था ना, अपना काम धंधा छोड़ के, कोई ड्यूटी जाने वाला है, कोई स्कूल जाने वाला है, सब पर फंसे हुए हैं हम लोग। आप क्या काम करते हैं? हम लोग कुरियर में डिलीवरी करते हैं। अब जाने के लिए साधन इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी फंसा हुआ है। उनका गाड़ी इधर जाने नहीं दिया गया, जो लौट कर दूसरा रास्ता से गए, नए आदमी थे, उनको हम रास्ता बतलाए हैं। ये इतना तकलीफ दिए हुए उन लोग, एक छोटा सा रास्ता छोड़ देना चाहिए कि आम पब्लिक आ जा सके। आम जनता को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कोई अपने कोचिंग के लिए जा रहा है उसको भी दिक्कत हो रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। तो आपने सुना कि इस मार्च की वजह से आने जाने में जो आम लोगों के लिए रोक लगा दी गई है, उसे उन्हें क्या परेशानियां हो रही है, लोग कितने परेशान हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर डिजिटल बिहार के साथ। मैं महिमा सिंह अपने कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।